हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये ब्लॉक्स वाला कुशन कवर बनाएंगे। देखिए कितना प्यारा लगता है ये डिज़ाइन हमारा। ये पूरे हमारे ब्लॉक्स बने हैं, बनाना भी एकदम इजी है। कुशन कवर का डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। कुशन कवर का डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने दो कलर का कपड़ा लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। कपड़ा हमारा कॉटन का है। इस कपड़े की अब हम कटिंग करेंगे। कपड़े को हम इस तरह से रख लेंगे, ये हमारा डबल है, ऐसे ही रखा मैंने लंबे में। अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। ये मैंने ऐसे 3.5 इंच का इधर से निशान लगाया है। अब हम यहाँ से लंबे में लेंगे, यहाँ से 12.5 इंच, तो ये हमारा डबल हो जाएगा। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा इधर रहेगा, ये हमारा डबल में है कपड़ा, 12.5 इंचेस है। यहाँ से देखिए डबल है और ये हमारी 25 इंच लंबी हो जाएगी सिंगल में। ऐसे हम कट कर लेते हैं। ये स्ट्रिप्स मैंने काट ली है। अब देखिए यहाँ से हमारी ये 3.5 इंचेस है और इस साइड से हमारी ये 25 इंचेस है। लंबे में हमारी 25 इंच आएगी। ये मैंने दोनों कपड़े की स्ट्रिप्स काट ली है। ये हमारी एक है, ये दो और ये तीन स्ट्रिप्स हैं और तीन ही हमारी इस कपड़े की स्ट्रिप्स हैं। सेम साइज सेम मेजरमेंट के हिसाब से हम काटेंगे। अब ये हमारी कटिंग हो गई है, इसके बाद हम इन स्ट्रिप्स को सेट करेंगे। जैसे ये स्ट्रिप्स है हमारी, इसे हम ऐसे लगाएंगे। ये हमारी दूसरी स्ट्रिप्स लग गई है इधर, ये हमारी इस साइड में ऐसे आएगी। इसके बाद हमारी इस तरह से सेट करते हैं। ये सारी स्ट्रिप्स हमारी रेडी हो चुकी है। तीन हमारी इस कलर की है और तीन हमारी इस कलर की है। अब हम इनको सिलाई करेंगे। जैसे ये पीस है हमारे, इसको हम अगर उल्टा सीधा कपड़ा है तो हम उल्टी साइड सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से आएगा, ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। ये सिलाई मैंने लगा दी है, यहाँ पर हमारी सिलाई लग गई है। अब ये कपड़ा है हमारा, इसको हम ऐसे रखेंगे और ये पीस है हमारा, इसको भी हम ऐसे सिलेंगे। ऐसे करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने सारे पीस रखे हैं उसी तरह हम सिलाई करके सेट करते हैं। ये सारी सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं, इस तरह से हमारी सिलाइयाँ आई हैं। अब ये पार्ट है, हमें यहाँ पे आयरन करनी है। प्रेस कर लेंगे तो हमारा ये कपड़ा एकदम अच्छे से बैठ जाएगा, कटिंग करना भी ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने प्रेस कर दी है, कपड़ा हमारा देखिए एकदम सेट हो गया है। अब ये कपड़ा हमारा आगे पीछे हो गया है, इसको हम ऐसे लाइन लगा के सीधा करके ऐसे कट कर लेंगे बराबर एकदम कपड़े को। ये ऐसे मैंने लाइन लगा दी है, यहाँ से हम बराबर कर लेंगे कपड़ा कट करके। अब यहाँ से हमें कपड़े की कटिंग करनी है। तो ये हमने 3.5 इंच स्ट्रिप्स ली थी, 3.5 इंचेस स्ट्रिप्स बनाई है ये। तो इस साइड से भी हम 3.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। निशान हमारे बराबर लगने चाहिए एकदम, कि हमारा इस तरह से निशान लगा है। इसके आगे फिर हम 3.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और आगे भी इस तरह से हम पूरे कपड़े पे ऐसे लगाएंगे। ये निशान मैंने यहाँ भी लगा दिया है, अब हम यहाँ भी लगा लेंगे जिससे कि हमें इजी रहेगा। ऐसे बराबर आना चाहिए हमारा कपड़ा, डिज़ाइन हमारा तभी बराबर आएगा इस तरह से। और यहाँ से हम स्केल रखेंगे और ये सीधी लाइन एकदम लगा लेंगे इस तरह से। और ये आगे का है, ये भी हम ऐसे लाइन लगा लेंगे। इसी तरह से बाकी के हम लाइन लगाते हैं। ये अलग अलग लाइन भी लगा सकते हैं हम, या फिर हम इस पीस को ऐसे कट कर लेंगे पहले, ये पूरा हम आगे तक कट करेंगे। ये पीस हमारा कट हो चुका है। अब इस पीस को हम इसी पीस पे ऐसे बराबर करके लगा लेंगे तो भी हमारा एकदम बराबर आएंगे। ऐसे लगा के यहाँ से हम कट कर लेते हैं। अब ये पीस भी हमारा कट गया है। अब इस पीस को उठा के हम इस साइड में ऐसे रख लेंगे। ऐसे ही हम कट करते हैं सारे पीसेस। ये पीस मैंने काट दिए हैं, 6 पीस काटे हैं मैंने। यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, जैसे ये पट्टी हमारी इस तरह ही रहेगी। अब इस पट्टी को उठाना है तो ये हमारा रेड पार्ट इधर चला जाएगा,
इस तरह से ये हमारा ऐसे बन गया है डिज़ाइन। अब ये पार्ट है, ये भी हम रेड पार्ट इधर ले जाएंगे, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब ये वाइट हमारा इस तरह ही रहेगा, ऐसे हमारा बनेगा, और ये हमारा रेड पार्ट इधर जाएगा, और ये हमारा इसी तरह रहेगा। ये हमारा डिज़ाइन बन गया है, ये देखिए कितना इजी ढंग से हमारा पूरा डिज़ाइन बन गया है, अलग अलग ब्लॉक्स बन गए हैं। इतना बनने के बाद अब हम इनकी सिलाई करेंगे। जैसे ये पार्ट है हमारा, इसको हम इसके ऊपर उठा के ऐसे रखेंगे, और ये हमारे यहाँ पे सिलाई लगानी है हमें यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हमारे स्टिचेस हैं, दोनों साइड की सिलाई है एकदम बराबर आनी चाहिए, इस तरह से मिला के, तभी हमारा ये जो ब्लॉक्स हैं एकदम बराबर आएंगे। सिलाई से सिलाई मिलाएंगे, इधर का कपड़ा इधर, इस साइड का जो सिलाई है उसको इधर कर लेंगे, और इस साइड की हमारी इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे सभी सिलाइयाँ हमें बराबर रखनी है, तो यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है, ये देखिए हमारी ये कॉर्नर से कॉर्नर एकदम अच्छे से बैठे हैं, यही हमें ध्यान रखना है इसमें, कॉर्नर हमारे एकदम बराबर आने चाहिए। अगर थोड़ा आगे पीछे होता है तो हम थोड़ा सा ऐसे हल्का खींच के उसको बराबर कर सकते हैं। ये हमारा एक पीस बन गया है। अब ये पीस हमारा इधर ऐसे रखा है, ये पीस हमारे ऐसे ही इस तरह रहने देंगे, क्योंकि एक भी पीस हमारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो हमारा ब्लॉक से एक आगे पीछे हो जाएंगे सभी। तो अब इस पीस को हम ऐसे उठाएंगे, और इसके ऊपर ऐसे हमें सिलाई लगानी है। हमें वो ध्यान रखना है, हमें ये जो जॉइंट है यहाँ पे हमारे एकदम बराबर आए सिलाइयाँ। तो सिलाई लगाते हैं, सारे पीस हम इसी तरह जोड़ते हैं। अब देखिए ये सारी सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं, सारे ब्लॉक्स हमारे एक दूसरे के साथ इस तरह से देखिए एकदम बराबर आए हैं। ये हमारी उल्टी साइड है। अब हम यहाँ पे आयरन करके सारी सिलाइयों को बिठा लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने आयरन कर दी है। अब ये साइडों में हमारा कपड़ा आगे पीछे हो गया है सिलाई में, इसको हम बराबर कर लेंगे। ये हमारा आगे पीछे है, तो इसको हम ऐसे लाइन लगा के इस तरह से बराबर कर लेंगे कपड़े को। ये मैंने ऐसे लाइन लगा दी है, जितना हमें कुशन चाहिए। जैसे कि ये कपड़ा हमारा 17x17 का है, तो यहाँ पे हमारा ये सिलाइयों में ऐसे आगे पीछे हो गया है, तो 17x17 इधर से रेडी है, और इधर से भी हमारा 17 है, तो ये हमारा सिलाई में आधा आधा इंच आएगा, तो ये हमारा 16x16 का कुशन बन के रेडी होगा। तो ये एक्स्ट्रा हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे ये ब्लॉक मैंने 3.5 इंचज़ के बनाए हैं। यहाँ पे हम छोटे भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से, इससे बड़े बनाने चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, तो हमें मेजरमेंट में उसको बड़ा रखने पड़ेगा। वो छोटा करना है तो 2 या 2.5 इंच का हम ऐसे पट्टी काट के बनाएंगे, तो हमारे ये छोटे ब्लॉक्स आएंगे। जैसे ये हमारा एक्स्ट्रास कपड़ा है, इसको हम कट कर लेंगे, ऐसे ही बाकी साइड काटते हैं। अब ये साइडों से मैं कटिंग करके बराबर कर लिया है कपड़ा, अब हम बैक साइड काटेंगे। तो ये मैंने बैक साइड के लिए इस कलर का ये कपड़ा लिया है, इसको हम ऐसे रखेंगे, और इसके ऊपर ये पीस हम इस तरह से रख लेंगे। ये हमारा बैक का कपड़ा इस कपड़े के बराबर आएगा, इस साइड से दोनों साइडों से। अब एक साइड से हम यहाँ से बढ़ा के लेंगे, जैसे इस साइड से मैंने ये बढ़ाया है, तो ये हमारा 6 इंचज है, 6 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। अब इस कपड़े को हम ऐसे उठा लेंगे, और ये बैक का कपड़ा है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ पे। ये हमारा सेंटर आ गया है, यहाँ से हम कट कर लेते हैं। ये हमारा कट होके दो पीस बन गए हैं। अब ये पीस है, जैसे इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, और बाहर को दूसरी बार फिर से फोल्ड करेंगे, आधा पौना इंच ऐसे रख के इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। ये पीस भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे सिलाई करके। ये सिलाई मैंने लगा दी है दोनों पीसेस पे, ये पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम ये मेन पीस लेंगे, इसको हम ऐसे सीधा ही रखेंगे इस तरह से, और ये पीस है हमारा, ये हमारी उल्टी साइड ऐसे आएगी, इस साइड को हमारी सिलाई की उल्टी साइड है। यहाँ से हम कॉर्नर मिला लेंगे, और ये हमारा दूसरा पीस है, ये भी हमारी सिलाई जहाँ लगाई है उल्टी साइड है,
इसको भी हम यहाँ पे कॉर्नर सेट कर लेंगे। ये हमारे कॉर्नर सेट हो गए हैं, ये हमारा यहाँ से कुशन अंदर जाएगा तो इतना स्पेस हमारा ये आएगा ऊपर नीचे कपड़ा। अब यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे, जहाँ हम कच्चा सिलाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा ये कपड़ा हिलेगा नहीं। ये पिन मैंने लगा दी है, अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में सिलाई करेंगे, आधा आधा इंच हम छोड़ लेंगे एक्स्ट्रा। सिलाई मैंने लगा दी है, अब हम कुशन को यहाँ से सीधा करेंगे। जैसे ये कॉर्नर है हम अच्छे से निकाल लेंगे। ये हमारा कुशन का बस सीधा हो गया है, ये हमारी बैक साइड है, ये हमारा खोलने का बना है, यहाँ से हम कुशन डालेंगे। ये मैंने कुशन डाल दिया है इसमें, अब हमारा इस तरह से लुक आ रहा है कुशन का, देखिए कितना प्यारा हमारा बना है। ये हमारा 16x16 का कुशन बना है, इससे छोटा बनाना है तो हम ये 6 पट्टी लगाई थी, हम 5 लगा सकते हैं, उस हिसाब से हमारा ये छोटा हो जाएगा। फ्रेंड्स, कुशन कवर का डिजाइन हमारा बनके रेडी है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।